हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टच ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, एक और रिलेटेड अपने आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा कल एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर फैसला लिया जाएगा। जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर ने ट्विटर पर ट्वीट करके ये बात बताई है कि कल संडे को 12 मई को एक मीटिंग होने वाली है और राज्यों के साथ जो मीटिंग होगी उसमें आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर डिसीजन लिया जाएगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा को लिया जाना चाहिए या फिर इसको कैंसिल कर देना चाहिए। तो मैं आपको पूरी डिटेल, पूरी न्यूज़ आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। इस न्यूज़ को लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और आपको साथ में ये ट्विटर पर ट्वीट को भी आपको बताऊंगा कि एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ट्वीट करके क्या कुछ बात बताई गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। देखिए, सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्जाम केवल मेजर सब्जेक्ट के ही एग्जाम हो सकते हैं और रविवार को राज्यों के साथ मीटिंग में हो सकता है फैसला। तो देखिए, यहाँ पर ये बात क्लियर बताई जा रही है कि जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो मेजर सब्जेक्ट है, उन्हीं के एग्जाम आपके लिए जा सकते हैं। संडे इट मीन्स रविवार को राज्यों के साथ मीटिंग होगी और उसमें हो सकता है फैसला। अब आगे कुछ इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये आज की लेटेस्ट अपडेट है तो मैं आपको इसको डिटेल में पढ़कर बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीएसई इससे पहले ही घोषणा कर चुका है कि 1 जून या इसके बाद स्थिति की समीक्षा करने के बाद 12वीं की स्थगित बोर्ड परीक्षा को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, इसको डिटेल में आपको पढ़कर बता देता हूँ। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इट मीन सीबीएसई 12वीं क्लास में मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम लेने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है कि 12वीं क्लास में मेजर सब्जेक्ट के ही एग्जाम हो, बाकी सब्जेक्ट की मार्किंग के लिए कोई फार्मूला अपनाया जाए। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मेजर सब्जेक्ट है उन्हीं की परीक्षा ली जाए और बाकी जो सब्जेक्ट है उसके लिए कोई विकल्प, कोई ऑप्शन खोजा जाए और उसके अकॉर्डिंग उसकी मार्किंग की जाए। आगे कुछ बताया जा रहा है कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते 12वीं बोर्ड का एग्जाम टाल दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मंत्रियों और अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग में 12th के एग्जाम और प्रोफेशनल एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट पर फैसला हो सकता है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, 12वीं के लिए 174 सब्जेक्ट, इनमें से 20 मेजर सब्जेक्ट हैं। तो जो बात बार बार कही जा रही है, बताई जा रही है कि जो आपके 20 मेजर सब्जेक्ट हैं उन्हीं की परीक्षा ली जा सकती है। मतलब सीबीएसई 12वीं क्लास में 174 जो सब्जेक्ट हैं उनकी पढ़ाई कराता है, इनमें से महज 20 को ही मेजर सब्जेक्ट माना जाता है। ये सब्जेक्ट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ जिनकी आपकी परीक्षा हो सकती है। इनमें आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। ये सभी आपके मेजर सब्जेक्ट कैटेगरी में आते हैं। सीबीएसई का कोई भी स्टूडेंट कम से कम 5 और अधिकतम 6 सब्जेक्ट लेता है। आमतौर पर इनमें से 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। तो आगे यहाँ पर बात बताई जा रही है कि राज्यों के साथ एग्जाम को लेकर चर्चा जारी है। तो अभी जो स्टेट बोर्ड्स हैं राज्यों के साथ भी एग्जाम को लेकर अभी चर्चा चल रही है। सीबीएसई बोर्ड और जो अदर बोर्ड्स हैं वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं कि उनको एग्जाम को लेकर क्या कुछ डिसीजन देना है, ये आपस में डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से जुड़े फैसले सभी राज्य सरकारों और की सलाह के बाद लेने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली वर्चुअल मीटिंग रविवार सुबह 11:30 बजे होगी। तो कल जो मीटिंग होने वाली है, मीटिंग का मैं आपको टाइम बता देता हूँ, कल संडे इट मीन्स टुमारो 11:30 बजे मीटिंग होगी। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए एग्जाम को लेकर जनता से भी सुझाव मांगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्वीट देख सकते हैं, ये आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल जो कि स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका ये ट्वीट है और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके यहाँ पर ये बताया। तो आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, डेट सकते हैं, इट मीन 23 मतलब कि 23, सॉरी मैंने गलती से आपको 22 बता दिया था, 22 तो आज है, मतलब कि आपकी जो वीडियो है वो मतलब आज अपलोड हो रही है, इसको आपको 23 तारीख में मीटिंग होगी। इट मीन्स टुमारो आपकी 11:30 बजे मीटिंग होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कहा है, फ्रेंड्स आई नीड यूर वैल्यूएबल सजेशन टू यू कैन सेंड देम ऑन माई ट्विटर हैंडल। तो मतलब कि जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने आपसे भी सजेशन, आपसे भी सुझाव मांगे हैं कि जो 12वीं की परीक्षा है उसको किस तरीके से लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप सिचुएशन को देख सकते हैं, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन भी बढ़ रहा है, उसमें परीक्षा को कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब विकल्प खोजा जा रहा है, ऑप्शंस खोजे जा रहे हैं कि आपकी परीक्षा को किस तरीके से लिया जाए। कैंसिल भी नहीं किया जा सकता, इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो ऑलरेडी मैं अपने पहले की वीडियोस में बता चुका हूं। तो अब बोर्ड आपसे खुद कह रहा है कि आप भी सुझाव दे सकते हैं और बोर्ड भी आपस में कंसल्ट कर रहा है, मीटिंग कर रहा है अदर बोर्ड्स के साथ किस तरीके से फैसला ले जाना है। आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कल मीटिंग में क्लियर होने वाला है कि आपकी जो परीक्षा है उसको टाला जा सकता है या फिर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम लिए जाएंगे या फिर आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं उन्हीं की परीक्षा ली जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। आई होप दैट ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे।